देख रहे हैं कितनी ज़्यादा तेज़ जल के धारा है यहाँ पे, देख रहे हैं वहाँ पे जल की धारा और घाटों पे प्रवेश कर रही है, इतनी तेज़ है। देख रहे हैं हल्की हल्की सी बूंदाबांदी बारिश भी हो रही है, जल की धारा काफी तेज हो चुकी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सारी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे बाढ़ का जो दृश्य है वो कितना है, आप हरिद्वार की यात्रा भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो कोई खतरा तो नहीं है हरिद्वार यात्रा को लेके, तो हम आपको छोटी बड़ी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और सबसे पहले हम आपको जो बढ़ी हुई जल की धारा सूखी नदी से जो आती है पहाड़ों पर, जो बारिश होने के बाद जल की धारा बढ़ जाता है, वही आपको पहले दिखाते हैं। ये देख रहे हैं ये हरकी पैड़ी जल जा रही है और यहाँ से आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, और क्यों दिक्कत नहीं होगा हम आपको बताएंगे अभी। और जल की धारा कितनी तेज़ है आप देख रहे हैं, केवल एक सीढ़ी बचा हुआ है जल यहाँ पे, और कितनी बड़ी हुई है आप देख सकते हैं, देख रहे हैं काफ़ी तेज़ी से जल आ रहा है, काफ़ी सारे यहाँ पे जलकुंभी वगैरह फंसे हुए हैं। और ये सूखी नदी है, सूखी नदी से जो जल आता है वो पहले इधर हरकी पैड़ी प्रवेश करता है फिर उधर जाता है, और जो बहराइच वाले जल है उधर से आता है। बहराइच वाले का कंट्रोल पूरे होते हैं हरकी पैड़ी पे, तो जल को पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया जाता है, हरकी पैड़ी भी उतना ही जल आता है जितना हरकी पैड़ी वाले चाहेंगे ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अभी हम चल रहे हैं हरकी पैड़ी की ओर, ये एरिया भी हरकी पैड़ी है लेकिन ब्रह्मकुंड जहाँ पे वो थोड़ा सा दूर 100 मीटर की दूरी पे है, हम ब्रह्मकुंड के पास आपको लेके जा रहे हैं अभी। घाट पूरी तरह से खाली नहीं है और ये जो सीजन है वो भीड़ वाले सीजन है, और 22 जुलाई के बाद भीड़ और भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। कुछ लोग यहाँ पे छलांग भी लगा रहे हैं इतनी गहरे जल पे, क्योंकि यहाँ पे सूचना प्रसारण केंद्र से बार बार प्रसारित किया जा रहा है कि जल की धारा आप देख रहे हैं केवल एक सीढ़ी बचा हुआ है, और कितना बढ़ेगा जल की धारा, ये मैक्सिमम जल की धारा है, इससे ज़्यादा नहीं होता जल की धारा। और उधर उधर वाली जो है उधर आपको काफ़ी तेज़ जल देखने को मिलेगा, भीड़ आपको देखने को मिलेगा, और ये मैक्सिमम जल है जैसे कि मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। और इधर से जैसे आएंगे आप ये वाली जो घाट है, इधर से उतरेंगे भीमगुड़ा से आप इधर से आएंगे, और जब भीड़ ज़्यादा हो जाता है तो इधर से आएंगे सबसे अच्छा रहेगा, चलने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। भीमगुड़ा में आप रूम ले सकते हैं, पार्किंग की सुविधा वहाँ पर मिल जाता है। और नज़दीकी पार्किंग की बात करें तो यहाँ पर नज़दीक पार्किंग पंजी पार्किंग है सबसे नज़दीक, अगर हम दूसरी पार्किंग की बात करें तो दूसरी पार्किंग आपको मिल जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और तीसरी पार्किंग है रेडी वाला पार्किंग। देख रहे हैं यहाँ पे जल की तेज धारा, मौसम हल्की हल्की से बूंदाबांदी बारिश हो रहा है अभी, और स्नान करे हजारों की संख्या में लोग। ये वाले जो एरिया ये ब्रह्मकुंड वाली एरिया है जहाँ पे चप्पल जूता निकाल जाना पड़ेगा आपको, दो इस किनारे पे चप्पल स्टैंड आपको मिल जाएगा और उस किनारे पे भी, यहाँ पे तीन मार्ग है, एक मार्ग आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये दो ये बीच वाला मार्ग है, पहला मार्ग ये है दूसरा ये है, और वो तीन मार्ग है आराम से आप प्रवेश कर सकते हैं। और यहाँ से आज पहाड़ों का दृश्य काफ़ी सुंदर दिखाई देगा, चंडी देवी वाली पहाड़ है जो कि यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। आप मनसा देवी या चंडी देवी की यात्रा करना चाह रहे हैं तो आप कम्बो टिकट ले लीजिएगा, वो भी आपको मिलेगा मनसा देवी के रोपे काउंटर से, अगर आप रोपे का टिकट लेते हैं मनसा देवी को दर्शन करने के लिए 95 रुपये का किराया होता है ट्रांसपोर्ट का, आप वो देख के आराम से जा सकते हैं। और रही बात हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं हरिद्वार की यात्रा, तो हरिद्वार की यात्रा आप कर सकते हैं, किसी बार कोई दिक्कत नहीं है, जो जल है ये मैक्सिमम लिमिट है यहाँ पर, और वो बहराइच आपको दिखाई दे रहा है, देख रहे जो नीला नीला दिखाई दे रहा होगा वो बहराइज है, वो पूरा जल की कंट्रोल किया जाता है। देख रहे बच्चा यहाँ पे एक छलांग लगा रहा है इतनी गहरे जल पे, तो सदानी पूर्वक स्नान करें, स्नान करने में कोई हड़बड़ी या जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जल की धारा आप देख ही रहे हैं कितनी तेज है, क्या क्या चीज़ें बह के आ रही है, जल में काफ़ी सारे रेत मिट्टी बालू आपको देखने को मिलेंगे। जब आप हरिद्वार आते हैं तो मौसम का खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि मौसम यहाँ पे अभी कभी भी चेंज हो जा रहा है, और यहाँ पे बारिश कम हो रहा है, बाकी जैसे ऋषिकेश देहरादून ऊपर पहाड़ों में नॉन स्टॉप बारिश हो रहा है, देख रहे हैं
तो अगर आप पहाड़ों की यात्रा कर रहे हैं जैसे मसूरी की, तो वहाँ पे अभी यात्रा करना थोड़ा, अगर आप भगवान शिव की ऊंची मूर्ति दिखाई दे रही उधर जाएंगे तो ये वाली ब्रिज क्रॉस करके जाएंगे, पंजी पार्किंग है जो कि सबसे नजदीकी पार्किंग है हर की पैड़ी के पास, और वो वाली जो घाट वीआईपी घाट में भी जल बहुत जल्दी प्रवेश करता है, और बहराइच से जब जल आता है तो आपको हरिद्वार की यात्रा में कभी भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो घाट है ये जल की धारा आपको देखने को मिले, ये मैक्सिमम है गति यहाँ का, क्योंकि बहराइच से पूरी जल का कंट्रोल होता है। जब जल की धारा इधर तेज हो जाती है जहाँ कंट्रोल नहीं होता, तो बहराइच वाले जल को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है ताकि जल की धारा हर की पैड़ी में तेज ना हो। आप हरिद्वार की यात्रा कर सकते हैं, हरिद्वार की यात्रा में आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हम बस जा रहे हैं दूसरे किनारे पे, जहाँ पे आपको श्रद्धालु भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे स्नान करते वक्त आपको दिक्कतें भी नहीं होगी। ऐसे घाटों को दृश्य आपको दिखाएंगे। अभी देख रहे हैं काफी सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं, धूप बिल्कुल नहीं है, काफी अच्छा मौसम हो चुका है, लेकिन अभी जुलाई का दृश्य आप देख रहे हैं। लोगों की सबसे ज्यादा कमेंट यही था कि बारिश वहां पे कितना हो रहा है, बारिश देख रहे हैं बादल छाए हुए, हल्की फुल्की से बारिश हो रही है, ऊपर पहाड़ों में घंटों का बारिश हो रहा है, यहां पे बारिश थोड़ा कम है, और जल की धारा काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। देख रहे हैं काफी सारे लोग यहां पे विश्राम भी कर रहे हैं। अभी हम चलेंगे यहां से, घाट का दृश्य दिखाते हैं, केवल 2-3 सीढ़ी बचा हुआ है, पूरा सीढ़ी डूबा हुआ है। देख रहे हैं जल की फ्लो आप देख रहे हैं, यहाँ पे केवल एक सीढ़ी बचा हुआ है, बाकी सारे सीढ़ी डूबे हुए हैं। देख रहे हैं कितनी तेजी में जल है, पूरे एक सीढ़ी बचा हुआ, बाकी सारे सीढ़ी डूबे हुए हैं। देख रहे हैं एक सीढ़ी बचा हुआ है, यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं, सारे सीढ़ी पे स्नान कर रहे हैं, सीढ़ी से नीचे कोई भी नहीं जा पाएगा क्योंकि जल की धारा ही उतनी तेज है कि वो सीढ़ी पे ही, जब भी एक सीढ़ी उतरेंगे वैसा ही उनको लगेगा कि वो जल के साथ भाग के जा रहे हैं, इस तरह का सिचुएशन अभी है। मेन जो धारा होती है कंट्रोल जहाँ पे नहीं होता बहराइच वालों का, वो उधर से आती है पहाड़ी, इसमें पहाड़ में जो मनसा देवी जो पहाड़ है इसमें जो बारिश होती है, और ये जो पहाड़ सूखी नदी पे होके जाती है और वहां से बहते हुए आती है, उसमें बहराइच से कंट्रोल नहीं होता, और अगर बारिश ज्यादा होती तो सारे जल इधर हर की पैड़ी में आता है। अभी बारिश ज्यादा हुई थी इसी कारण आपको इधर जल दिखाई दे रहा है, अगर इधर से जल आता है बहराइच की ओर से तो उधर पूरी लिमिटेड जल होता है, तो घबराने वाली बात होती नहीं है। देख रहे हैं कितनी तेज है यहाँ पे जल की धारा, केवल एक सीढ़ी बचा है, जल में बह के आने वाले चीजों की संख्या आप देखते हैं, दृश्य देख रहे हैं आप।